ये चीजें लेकर आती हैं आपका सौभाग्य। दीपावली की तैयारियों में सबसे पहला नंबर आता है साफ सफाई का। कहते हैं दीपावली की सफाई में अगर आपको कुछ खास चीजें मिलें तो माना जाता है कि इस बार आपकी दीपावली बहुत खास होने वाली है और आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्या है वो चीजें, आइए आपको बताते हैं। जेब या पर्स में रखे रुपए। दीपावली की सफाई करने में पुरानी या बेकार पड़ी चीजों को आप हटा देते हैं। कुछ लोग ऐसे पर्स को भी हटा देते हैं जो बहुत दिन से प्रयोग में ना आए हों। अगर ऐसा ही पर्स या फिर कपड़ों की जेब में आपके पैसे या रुपए मिल जाएं जिनके बारे में आपको याद ही न हो तो ये बहुत भाग्यशाली माना जाता है। अगर आपको भी इस बार सफाई में ऐसे ही कुछ पैसे मिलें तो इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर धार्मिक कार्यों में ही प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। मोरपंख या मुरली का मिलना है शुभ। दीपावली की सफाई में लोग अपने पूजा घर की भी साफ सफाई करते हैं। अगर आपको पूजा घर की सफाई करते समय मोरपंख या मुरली मिल जाए तो आपको खुश हो जाना चाहिए। इन दोनों चीजों का संबंध भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी से माना जाता है। अचानक से इन मोरपंख या मुरली का मिलने का अर्थ है कि आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली हैं। शंख या कौड़ी आपको बनाएगा धनवान। शंख और कौड़ी का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। अगर दीपावली की सफाई में आपको फालतू सामान हटाते समय शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे प्रभु की कृपा समझकर गंगा जल से धोकर अपने धन रखने की जगह में रख दें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। इसके साथ ही घर की सफाई करते समय अक्सर पुराने कैलेंडर में भगवान की फोटो मिल जाती है। भूलकर भी इन फोटो को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि इसे अपने बच्चों के पढ़ने की जगह में रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चों की बुद्धि तेज होती है। रसोई की सफाई में मिली ये चीजें होती हैं शुभ। दीपावली पर महिलाएं रसोई की सफाई करती हैं। अगर इन्हीं में सफाई करते समय आपको अक्षत या रखे हुए चावल मिल जाएं जिनके बारे में आप भूल चुकी हों तो इन्हें भी अपना गुडलक ही मानना चाहिए। अक्षत का सीधा संबंध माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह दोनों से होता है और दोनों ही हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं और खुशियां प्रदान करते हैं। ऐसे चावलों का प्रयोग खाने में न करें बल्कि पूजा पाठ से जुड़े कार्यों में ही इस्तेमाल करें। लाल रंग का कपड़ा। माता लक्ष्मी का प्रिय रंग लाल होता है। इनकी पूजा में लाल रंग का कपड़ा और लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर दीपावली की सफाई करते समय आपको किसी अलमारी से कोरा लाल कपड़ा मिल जाए तो इसे अपना गुडलक समझकर रख लें। लाल रंग का कपड़ा मिलना आपके आने वाले और सुनहरे कल के बारे में संकेत करता है। माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके घर में सुख समृद्धि और शांति हो, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर लिखें।